दोस्तों हरी मिर्च, हरी मिर्च किसको खाने में नहीं अच्छा लगता है। इस तरीके की हरी मिर्च देखने के बाद लालच लगती है, चाहे खाते हो आप या फिर ना खाते हो, लेकिन इसे देख करके तुरंत खाने की इच्छा होती है बहुत ही तेजी से। तो क्या करना है, हरी मिर्च तो हम मार्केट से लाते हैं, फिर खेत में भी हो रहा है तो वहां से भी इकट्ठा तोड़ करके लाते हैं, तो क्या होता है अगर हम इसे अच्छे से नहीं रखेंगे तो ये बहुत ही जल्द खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, पक जाते हैं, तो ये हमारे काम के नहीं रहते हैं। तो इसे हमें कैसे स्टोर करना चाहिए कि ये 10-15 दिनों तक आसानी से पड़ा रहे, ये खराब ना हो, इसके लिए आज हम आपको छोटा सा टिप्स बताएंगे। आप इन टिप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, हरी मिर्च को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों ये देखिए, हमने अभी अभी तुरंत पेड़ से मिर्च को तोड़ करके लाया है। अभी हमारे खेत में थोड़ा बहुत मिर्च था और थोड़ा बहुत अभी है भी, हमने ये थोड़ा सा ही तोड़ा था। और इसे हम कैसे रखेंगे, ये अगर हम बाहर रखते हैं तो गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी में ये बहुत ही जल्द सड़ जाते हैं। गर्मी में अगर आदमी बाहर रहता है तो धूप की वजह से और गर्मी की वजह से एकदम परेशान हो जाता है, बेहाल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो ये तो भाई सब्जी है, सब्जी में भी तो जान होती है। तो इसे हम तोड़ करके तो लाते हैं या खरीद करके मार्केट से लाते हैं। मार्केट से जब हम लाते हैं तो थोड़ी बहुत मिर्च नहीं लाते, ढेर सारा लेकर आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इसे हम स्टोर नहीं कर पाते हैं और ये खराब हो जाती है, पूरा पैसा चला जाता है। तो आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे, इस टिप्स द्वारा आप आसानी से मिर्च को स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मिर्च के डंठल को तोड़ लेना है। जो डंठल होगा इसे भी आपको फेंकना नहीं है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होता है। तो दोस्तों मिर्च के डंठल को हम तोड़ करके किसी एक कटोरी में रख देंगे और मिर्च को अलग रख देंगे। ये अभी हम खेत से तोड़ के लाए हैं तो ये हमारा एकदम साफ है। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो उसे आपको थोड़ा सा धुल लेना है, धुल करके हल्का सा सुखा लेना है, उसके बाद ही स्टोर करना है। क्योंकि अगर इसमें पानी लगा रहेगा तो वो बहुत ही जल्दी मिर्च को सड़ा देगा, मिर्च आपका खराब हो जाएगा। आप इस तरीके से मिर्च को स्टोर करेंगे तो आपका मिर्च 10-15 दिनों तक बिल्कुल भी नहीं टसकेगा, एकदम ताजा बना रहेगा। तो दोस्तों देखिए, हमने सारे मिर्च के डंठल को तोड़ दिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा मिर्च एकदम सूखा है, अभी तुरंत हम तोड़ करके लाए हैं। और अगर आप मार्केट से लाए हैं तो उसे धुल करके हल्का सा सुखा लीजिए और उसके बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके, या अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो नॉर्मल डिब्बा जो होता है, नॉर्मल डिब्बा आप सभी के घरों में होगा ही होगा। अगर आपके पास नॉर्मल डिब्बा इस तरीके का है तो आप इस तरीके के डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपको किसी भी इस तरीके के प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं स्टोर करना है, जो इस तरीके का होता है पॉलीथीन की तरह, इसमें आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको मिर्च को भर देना है और उसके बाद इसके ढक्कन को बहुत ही टाइटली एकदम बंद कर देना है और इसे आपको फ्रिज में स्टोर कर देना है। आप देखेंगे कि आपका मिर्च हफ्तों 10 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। इस तरीके से मिर्च को आप फ्रिज में रख करके स्टोर कर सकते हैं। अगर आप बाहर भी रख रहे हैं फिर भी 2-3-4 दिन तक ये मिर्च बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। अब चलिए हम इसके डंठल का यूज देख लेते हैं। डंठल को आप तोड़ करके एक कटोरी में रख लीजिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए 1 कप पानी। पानी को डाल करके इसे छोड़ दीजिए। मिर्च के डंठल में बहुत ही पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, वो सारे पोषक तत्व तो इस पानी में आ जाना चाहिए। आप इसे रात में करके छोड़ दीजिए और सुबह आप देखेंगे कि ये पानी का कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आप इस पानी को, अगर आप प्लांट लगाए हैं, कोई भी पौधा लगाए हैं, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है
तो उसमें ले जा करके डाल दीजिए या फिर स्प्रे बॉटल में भर करके स्प्रे कर दीजिए। आपके प्लांट की जो ग्रोथ रुकी हुई है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से भाग जाएंगे। आई होप कि आपको यह मिर्च स्टोर करने का, मिर्च के डंठल का टिप्स अच्छा लगा होगा। टिप्स अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।